We were discussing the commercial uses of microbes yesterday, and we did discuss the formation of alcohol, wine, beer by the process of fermentation. There is another very important medicinal use of microorganism, which is also done on a large scale. It is commercial as well as medicinal use of microorganism. What I had shown you yesterday, some of the medicines which are termed as antibiotics. So antibiotics jo hai, microorganisms are used. Microorganisms are used for the preparation of these medicines, which are termed as antibiotics. We are very much familiar with these antibiotics. Antibiotics jo hai, they are chemical substances jo ki produce hote hain kahan se? From microorganisms. And ye jaise ki bacteria ho gaya, fungi ho gaya, unse banaye jaate hain. And they are termed as antibiotics. They either, what is their function? What is their role? They either kill the disease causing microorganisms or they stop their growth. Ab kal humne where we left was कि ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, इनको हम स्पेशल नेम दे देते हैं. माइक्रोब्स तो सारे ही हैं, जितने भी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच वी कैनॉट सी विद आवर ओन आईज, दे आर टर्म्ड एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेकिन उनमें से बहुत सारे हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जिनको हमने कल पढ़ा है या जिनके बारे में हम अभी और पढ़ेंगे. लेकिन उनमें एक कुछ क्लास ऑफ बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनको कहते हैं हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इनको हमने टर्म दिया है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम क्या कहेंगे, वी हैव गिवन देम अ स्पेशल टर्म एंड दैट टर्म इज पैथोजेंस. तो पैथोजेंस जो है दे आर माइक्रोब्स ओनली. पैथोजेंस जो है वो माइक्रोब्स ही हैं, लेकिन जो डिजीज कॉज माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. ठीक है, डन. तो जब भी हम डिस्कस करेंगे पैथोजन, तो पैथोजन मतलब हम बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. अब इनमें भी बहुत सारे हैं, बैक्टीरियाज भी हैं, फंजाई भी हैं, वायरस भी हैं. वायरस तो हमें पता ही है, बहुत पॉपुलर वायरस है अभी तो. तो ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको हम टर्म करते हैं पैथोजेंस. तो एंटीबायोटिक्स इन पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करती है. तो एंटीबायोटिक्स जो है दे आर आइदर डिराइव्ड फ्रॉम सम यूजफुल बैक्टीरिया और फंजाई विच एक्ट अगेंस्ट सर्टन पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस. दे आइदर किल देम इन अवर बॉडी व्हेन वी टेक देम और दे स्टॉप देयर ग्रोथ. तो उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली उनका जो हार्मफुल इफेक्ट वो कॉज करें वो खत्म हो जाएगा. एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 एंड इट वॉज पेनिसिलिन. ये हमने कल डिस्कस किया था, इट इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन. ठीक है, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड it was prepared from a fungus which is called as penicillium, जिसका कि आपको डायग्राम भी दिया हुआ है आपकी बुक में. तो ये जो है और कॉमन एग्जाम्पल, मैंने आपको कल बहुत सारे एग्जाम्पल्स शो किए थे एंटीबायोटिक्स के, जिनके की नेम्स जो है बहुत कॉमन, जो एंटीबायोटिक्स हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन. अगर आपकी बुक में ये दिए हुए हैं तो आप इनको मार्क कर लेंगे. Then there is tetracycline, amoxicillin. ये सारे जो हैं, they are and few more. ठीक है, ये सारे antibiotics के name हैं. So you should remember them that these are antibiotics. Antibiotics भी sir Alexander Fleming जो हैं, इनके पीछे भी एक story है. He was a working on he was a bacteriologist ना. तो वो रिसर्च कर रहे थे अपनी लैब में जहां वो काम कर रहे थे. तो वहां पर क्या हुआ कि उसने ही वाज वर्किंग ऑन कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, किसी बैक्टीरिया के जो कि डिजीज कॉज करता है उसके जो कल्चर होता है जहां पर वो उसको डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, वहां पर वो उनको स्टडी कर रहे थे. तो सडनली उसको उसने देखा कि एक मोल्ड जैसा कि ब्रेड के ऊपर आ जाता है,
फंगस जो होती है इन वन ऑफ द कल्चर प्लेट इट वॉज ग्रोइंग, वो एक कल्चर प्लेट में वो मोल्ड आ गया था, वो भी एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, हमें पता है फंगस जो है वो वहां पर ग्रो कर रहा था, लेकिन टू हिज सरप्राइज उसने नोट किया कि जहां पर वो फंगस ग्रो कर रहा था वहां बैक्टीरिया नहीं ग्रो कर पा रहे थे, वो बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज कर रहे थे ना वो वहां पर नहीं ग्रो कर पा रहे थे क्योंकि वहां पर फंगस प्रेजेंट थी. तो ही देन ऑब्जर्व एंड देन ही ऑल्सो नोटिस कि इनफैक्ट उस फंगस ने बहुत सारे बैक्टीरिया को किल भी कर दिया था, वो उस प्लेट में जहां पर कि फंगस ग्रो कर रही थी बैक्टीरिया के साथ उसने बैक्टीरिया को किल भी कर दिया था और बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं हो पा रहे थे. एंड दैट लेड टू द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन, क्योंकि वो जो मोल्ड वहां ग्रो कर रहा था वो पेनिसिलियम था. ठीक है, तो अब आपको पता लग गया कि ये जो हमने एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनते हैं. कौन से माइक्रोब से बनते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया से, ज्यादातर इन्हीं से बनते हैं. ठीक है, और आपको ये भी पता लग गया है कि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ वैरायटी ऑफ डिजीजेस. सिर्फ एक डिजीज नहीं, बहुत सारी डिजीजेस को, बहुत सारे ऐसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है उनको जो एक से ज्यादा डिजीज के ऊपर इफेक्ट करते हैं और उनको क्योर करते हैं. सो एंटीबायोटिक्स ना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं है. एंटीबायोटिक्स जो है देवर इवन मिक्स्ड विद द फूड ऑफ जो काउज एंड बफेलोज होते हैं ना, लाइफ स्टॉक जो होते हैं जैसे कि काउज बफेलोज हो गए, हेन हो गए, चिकन हो गए, फिश हो गई, जिनको कि हम एनिमल हस्बेंड्री के अंडर बहुत सारे लार्ज स्केल के ऊपर जिनको हम ब्रीड और हाइब्रिड कैरेक्टर्स के लिए या फिर हम उनको ब्रीड करते हैं, ब्रीडिंग जिनकी करते हैं उनके खाने में भी मिक्स किए जाते हैं सो दैट दे आर ऑल्सो क्योर्ड एंड मेनी डिजीजेस ऑल्सो कैन बी कंट्रोल्ड इन देम. ठीक है, जो उनको डिजीजेस हो सकती हैं उनके लिए कोई और स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डेवलप किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स और उनको भी दिए जाते हैं. सिमिलरली प्लांट्स में भी देर आर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज कर हम लोग उनको वहां पर भी डिजीजेस कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है. अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ना दे शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर. ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन तो हमें पता लग गया है कि ये एंटीबायोटिक्स हैं, दे कैन क्योर द डिजीज, तो हम कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे. नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं एंड दे आर एक्टिंग ऑन सर्टन स्पेसिफिक डिजीजेस जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को पता है. तो हमें जब भी एंटीबायोटिक लेनी है वी शुड टेक इट ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर ओनली. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हमें डॉक्टर ने 3 डेज के लिए या 5 डेज के लिए या 10 डेज के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया है डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज एंड इट्स सिवियरिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को पता होती है, हमें नहीं पता है, तो उतनी जो कोर्स प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपने 3 डेज लेना है, 2 times a day लेना है, 1 time a day लेना है, जैसे भी उसने प्रिस्क्राइब किया है ये हमें कोर्स पूरा करना चाहिए. ऐसे नहीं होता, ज्यादातर हमारी टेंडेंसी होती है या हमारा ऐसे थॉट्स होते हैं कि 2 दिन हमने खाया एंड वी आर फीलिंग बेटर तो चलो छोड़ो अब क्या खानी इतनी मेडिसिन, इट इज वेरी हार्मफुल, हमें नहीं खानी चाहिए. जैसे हम कई बार सुनते हैं कुछ लोग ऐसे बोलते भी हैं, हमारे घर में ही कुछ फैमिली मेंबर्स भी ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं नहीं इतनी दवाइयां नहीं खानी चाहिए, दे आर वेरी हार्मफुल टू अस, वी शुड नॉट, अब ठीक हो गया अब छोड़ दो, है ना. तो इट शुड नॉट बी डन. एंटीबायोटिक्स के केस में ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक कोर्स होता है, ऐसे हम क्यों नहीं करना चाहिए. या फिर हम कह देते हैं चलो आज हम 2 बार खा ली, ओहो आज तो हमने 2 बार खा ली, एक ही बार खानी थी, चलो कल हम खाएंगे नहीं. इट शुड नॉट बी डन दैट वे. जो प्रिस्क्राइब डोज है जैसे खानी है और जितनी है उतनी कंप्लीट करनी चाहिए. इसका रीजन क्या है? अगर हम ऐसे डोजेस को मिसमैच कर देते हैं, प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब डोज है उसको प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं तो अगर हमें फ्यूचर में, ऐसा तो नहीं है कि वो डिजीज हमें कोई वायरल फीवर है, कोई बैक्टीरियल फीवर है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो हमें फ्यूचर में नहीं होगा, वो तो हो ही सकता है. तो फ्यूचर में जब हम वो एंटीबायोटिक लेंगे तो वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा हमारी बॉडी में, समझ आई बात. तो पहला नुकसान ये होगा कि इफ दैट ड्रग इज नीडेड इन फ्यूचर
इट विल मेक इट लेस इफेक्टिव. मोर ओवर ये भी है कि अगर हम अननेसेसरी ले लेते हैं कि आज हमने दो खा लिया और कल एक भी नहीं खाएंगे और आज ज्यादा खा लेते हैं, दो दिन में खत्म हो जाएगी दवाई, नहीं. इट इज गोइंग टू किल गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, एंड उनके फंक्शन को, उनके जो वर्किंग है उसको हैम्पर कर देगा, तो उससे हमें और नुकसान हो जाएगा. एंटीबायोटिक का अलग नुकसान हुआ, और जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया या गुड माइक्रोब्स थे जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, उनका काम भी खराब हो जाएगा, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो एंटीबायोटिक्स जो है ये आपने हमेशा प्रिस्क्राइब डोज में एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर वी शुड टेक इट. ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स एंड हार्म, मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं. मोर ओवर आपने ये याद रखना है कि एंटीबायोटिक्स आर नॉट नेसेसरली वेरी इफेक्टिव इन कोल्ड एंड फ्लू. अगर हमें कोल्ड हो जाता है तो उसका एक साइकिल होता है 7 days का, बिकॉज इट इज अ वायरल डिजीज. तो ज्यादातर एंटीबायोटिक्स जो है दे डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस. वायरल अगर कोई डिजीज है तो एंटीबायोटिक उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं, तो हमें अननेसेसरीली भी नहीं लेने चाहिए. ठीक है, क्योंकि जो वायरल डिजीजेस होती हैं, दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस एंड दीज एंटीबायोटिक्स आर एसेंशियली मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, सो दे आर एक्टिंग मेनली ऑन बैक्टीरिया एंड फंजाई ओनली. सो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक्स ऑन योर ओन. कि पिछली बार मैंने ये वाला एंटीबायोटिक लिया था ना, मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, तो यही वाला इस बार भी ले लेते हैं. नो, इट शुड बी ऑलवेज अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर, यू हैव टू टेक इट. ठीक है, ओके. अब सेकंड, एक मेडिसिनल यूज हो गया एंटीबायोटिक्स. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा पॉपुलर है आजकल, वो है वैक्सीन्स. सुन रहे हैं ना, वी शुड गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोरोना वायरस, COVID-19 अगेंस्ट सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए. ऑफ कोर्स यू चिल्ड्रन नॉट येट, लेकिन सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगवाना चाहिए. अब ये वैक्सीन क्या होती है, आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता है, तो आपको बहुत सारे वैक्सीन लगे भी हुए हैं व्हाइल यू वर फ्रॉम द टाइम यू वर बॉर्न टू टिल टुडे. आप लोगों को टाइमली बेसिस के ऊपर कुछ वैक्सीन कुछ डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए लगते हैं. तो आज हम जानेंगे कि ये वैक्सीन एक्चुअली होते क्या हैं. ये जो वैक्सीन होते हैं ना, जब भी हमारी बॉडी में कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर करता है, हमारे आसपास हमने पढ़ लिया माइक्रोब्स वाटर में भी हैं, एयर में भी हैं, वाटर सॉइल में भी हैं, हमारी सब तरफ है, बट वी कांट सी देम एंड दे आर गोइंग कमिंग इन आवर बॉडी. लेकिन क्या हम बीमार रहते हैं हमेशा? नहीं रहते, है ना. उसका रीजन ये है कि जब ये डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी इमीडिएटली जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है. ये टर्म भी आजकल आप सुन रहे हैं. जस्ट अ मिनट बेटा. So we were talking about vaccines. ये जो वैक्सीन है ना, ये डिजीज कैरिंग माइक्रोब जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी का नेचुरल रिएक्शन होता है कि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं. जो एंटीबॉडीज इन फॉरेन जो पैथोजेंस आए हैं उसके ऊपर अटैक करती है और उनको किल कर देते हैं. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है बॉडी, और एक बॉडी की बहुत ही इट्स अ नेचुरल ब्यूटी ऑफ अवर बॉडी दैट इट रिमेंबर्स. एक बार कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर किया तो इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट एंड किल इट, एंड इट विल ऑलवेज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर फॉरेन बॉडी. और नेक्स्ट टाइम जब भी वो एंटर करेगा, उसको पता है कि इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने थे, तो एंटीबॉडीज को अटैक करके वो उसको खत्म कर देगा. तो हमें डिजीज नहीं होती है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा है अमाउंट में, अगर वो बहुत ज्यादा है तो हमें हमारी बॉडीज उनसे फाइट नहीं कर सकती. एंड देयर कैन बी अदर रीजन ऑल्सो, इफ अवर इम्यून सिस्टम इज वीक देन ऑल्सो इट इज नॉट एबल टू हेल्प. अब अगर हम डेड और वीकेंड मतलब जो काफी वीक है, ठीक है, वीकेंड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में, एक हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं,
डेड और वीकेंड माइक्रोब्स ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को हमारी बॉडी में एंटर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हमने इंट्रोड्यूस किया, हमारी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडीज, ठीक है, और उसको फाइट करेगी और किल कर देगी बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज. ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में हमेशा रहेंगे एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोस्कोप. और इसी तरह से वैक्सीन वर्क करता है. अब वैक्सीन जो है हमारे, मैंने आपको बताया है कि ये जो है हमारे को राइट फ्रॉम द टाइम वी इन अ बेबी इज बॉर्न, उस टाइम से हमें लगते हैं. सो दीज आर द सब्सटेंसेस, वैक्सीन्स आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू डिजीजेस इन द बॉडी. And these, that is why they are termed as vaccines. The ability of the body to resist matlab apne aap ko rok lena, or to fight a disease, isko hum kehte hain immunity. Hamari immunity kya hai? Ki hamari body automatically jo hai kisi disease ko rok paaye, hone se prevent kar paaye, aur ya fir usko fight kar khatam kar de, usko hum kehte hain immunity. To vaccines jo hain, they are dead or weakened microbes जो कि हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, वो इंड्यूस कर देते हैं किस चीज को, एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को इंड्यूस करते हैं. और इससे क्या होता है, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब हुआ क्या, वैक्सीन जो है, अब हम कह रहे हैं कि किसी भी डिजीज का हमारे को आप चैट बॉक्स में यू कैन इंक्लूड इट कि कौन कौन से वैक्सीन इफ यू रिमेम्बर हमें लगे हुए हैं राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बचपन से आपको जो पता हो या आपने सुने हो, क्या आपको कोई वैक्सीन ऐसा याद है जो आपको लगा हुआ है? एक तो हमारे स्कूल में भी लगा था, इफ यू रिमेम्बर 2 years back आप लोगों को स्कूल में भी एक वैक्सीन लगा था, यू रिमेम्बर इन द स्कूल. लेट मी चेक द चैट बॉक्स, कोई नहीं लिख रहा, कोई याद नहीं आपको? पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस, स्टूडेंट्स आर रिस्पोंडिंग मैम. हाँ जी बताइए मैम. आई हैव डिसेबल्ड चैट, दे कैन चैट ओनली विद मी. मैम यू कैन रीड इट आउट फॉर मी. Yes, they are writing, ma'am. Polio vaccine, chickenpox, measles, hepatitis. Very good. HIV. Someone has written. Typhoid. It's not possible. That is what. Hanji, they are responding, ma'am. Okay, very good. Thank you, ma'am. Okay. So, सबसे common हमने polio vaccine सुना हुआ है, और आपने घर में देखा होगा कि आपके younger brothers sisters के लिए भी polio vaccine was being given to them. पोलियो वैक्सीन वॉज वेरी कॉमनली, ड्रॉप्स होते हैं जिसको दिया जाता है, चिकन पॉक्स का वैक्सीन, मीजल्स का वैक्सीन, एक हमें लास्ट टू लास्ट ईयर स्कूल में भी लगा था रूबेला के अगेंस्ट. तो ये सारे वैक्सीन जो हैं बहुत कॉमन वैक्सीन हैं जो कि हमें लगाए जाते हैं. और इसमें आपने याद रखना है कि कौन कौन से जो वैक्सीन है, कॉलरा के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, वूपिंग कफ, ठीक है, इनके अगेंस्ट हमें वैक्सीन लगे हुए हैं राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड वी हैव बीन गेटिंग. एंड सबसे कॉमन अब COVID-19 के अगेंस्ट वैक्सीन लग रहे हैं टू द एडल्ट्स. तो अब ये वैक्सीन में है क्या, दीज, ये पोलियो ड्रॉप्स अगर देखते हैं तो पोलियो कॉज करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं ना, उन्हीं का डेड या फिर वीकेंड माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एज वैक्सीन बहुत स्मॉल अमाउंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एज ड्रॉप और एज इंजेक्शन, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है. अब उससे फायदा क्या हुआ कि जब भी फ्यूचर में पोलियो के या चिकन पॉक्स के या मीजल्स के कोई भी ऐसे माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, हमारी बॉडी को ऑलरेडी उसने उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई हुई है, उसको पता है कि ये पोलियो का है, ये मीजल्स का है, इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज बने हुए हैं, वो एंटीबॉडीज इमीडिएटली रिलीज करता है, उनको सबको किल कर देता है और आगे हमें डिजीज नहीं होती है. तो ये एक वैक्सीन जो है दे आर अगेन अ प्रिवेंटिव मेजर. एंटीबायोटिक्स जो थे वो आप आफ्टर द डिजीज ले रहे हैं, नॉट बिफोर द डिजीज, लेकिन वैक्सीन वी आर टेकिंग बिफोर द डिजीज टू प्रिवेंट द डिजीज इट सेल्फ. वो होगी ही नहीं हमें डिजीज,
जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन ले लिए हैं वो डिजीज हमें कभी नहीं हो सकती. देर आर सर्टन डिजीजेस जिनके लिए वैक्सीन वर्क फॉर अ स्मॉल पीरियड, तो उनके लिए बूस्टर डोजेस देनी पड़ती हैं. एक डोज से काम नहीं चलता है, जैसे कि पोलियो के ही आप ड्रॉप्स देखते हो, 5 years तक हम किड्स को देते रहते हैं, बार बार दिए जाते हैं, सो दैट अगर कोई एक माइनर चांस भी हो वो भी इरेडिकेट हो जाए और बच्चे को कभी भी पोलियो ना हो. ठीक है, तो इन फ्यूचर भी कभी लाइफ में उसके लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है वैक्सीन लगाने से. जिस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हमने वैक्सीन लगाया उससे हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, हमें वो डिजीज नहीं होती है. ठीक है, सो दीज आर वैक्सीन विच आर अगेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द माइक्रोब्स ओनली. स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन. स्मॉल पॉक्स एक डिजीज थी जो पूरी तरह से वर्ल्ड में से इरेडिकेट हो चुकी है. जैसे कि हमारे पोलियो जो है ना, पोलियो ड्राइव के कारण, पोलियो के जो कैंपेन्स लगते हैं वो इसीलिए होते हैं कि एक डिजीज को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए फ्रॉम ऑल ओवर द अर्थ, तो वो कभी भी किसी को वो फिर से नहीं हो सकती है. तो स्मॉल पॉक्स जो था उसका वैक्सीन वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन टू बी डेवलप्ड बाय अ फेमस साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर. ठीक है, एंड ये इतना ज्यादा वैक्सीन सबको दिया गया तो वो पूरे के पूरे अर्थ में से अब स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है. अब हमें स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगता, स्मॉल पॉक्स कहीं पर भी नहीं है ऑल ओवर द अर्थ. ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड अगेंस्ट फॉर स्मॉल पॉक्स एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर. तो एडवर्ड जेनर इज 1798, सोचिए कितनी पहले की बात है. विल बी स्टडिंग अबाउट मोर इन डिटेल इन क्लास 9th ऑल्सो अबाउट इट. तो ये जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन्स होते हैं ना, ये ही इरेडिकेट करते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज को. जैसे आजकल, पहले स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया गया, फिर पोलियो को इरेडिकेट कर दिया गया है. ऑलमोस्ट इट इज डन हमारी कंट्री में भी, ऑलमोस्ट, because it is being given to each and every single child up to the age of 5 years. तो अब next target है हमारा कि polio खत्म करना है पूरे earth के ऊपर से. तो इसके लिए बहुत ज्यादा campaigns होते हैं, आप देखते हो ना, door to door भी campaign होते हैं, ads भी दी जाती हैं, advertisements होती हैं कि आज यहाँ पर लगना है, यहाँ पर लगना है, free of cost दिया जा रहा है. तो ये भी एक method है to eradicate a particular disease, जैसे pulse polio program हो गया. उसके बाद में ये जो वैक्सीन लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट देम, प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स आल्सो फ्रॉम सेवरल डिजीजेस. अब ऐसा ही कुछ जो है कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट्स है, दैट इज बीइंग गिवन फॉर इवन COVID-19, क्योंकि हम वी आर गोइंग थ्रू दिस फेज, सो इट इज बीइंग एडवर्टाइज टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड so as to prevent. So there is so many बहुत सारे उसके साथ myths भी associated है कि हम लोगों को कुछ हो जाएगा कि अगर हम vaccine ले लेंगे. But आपने पढ़ा कि vaccines जो हैं they are either dead या फिर weakened microbes हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. But we have to take precaution for a period of time because अभी भी वो prevalent है हमारी surroundings में. तो हमें vaccine के बाद भी precaution लेनी है. कैसे कि नहीं कि vaccine ले लिया और चलो जी काम हो गया. वो उन डिजीजेस के लिए है जिनके लिए वो अभी खत्म हो चुके हैं, बट नॉट फॉर COVID-19 बिकॉज इट इज स्टिल अंडर रिसर्च. तो इट विल टेक सम टाइम बिफोर वी गेट होल्ड ओवर इट एंड वी आर एबल टू फाइट दैट कंप्लीटली. ओके, सो दीज आर द कमर्शियल एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ गुड माइक्रोब्स. आपने एक और याद रखना है कि हमने कल पढ़ा था कि माइक्रोब्स आर हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो. यस, हमने पढ़ा था यूजफुल माइक्रोब्स आर हेल्पिंग, जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स करते हैं. इसी तरह से जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं, दे आर इवन हेल्पिंग अस टू क्लीन द एनवायरमेंट ऑल्सो. यूजफुल जो माइक्रोब्स हैं वो एक और काम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये. इट इज रिलेटेड विद डिजीजेस ऑल्सो. दे आर हेल्पिंग इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट. कैसे क्लीनिंग द एनवायरमेंट कैसे होगा? यू विल से दैट वी आर ऑल्सो डूइंग इट. ये जो है माइक्रोब्स जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, आपने देखा है कि बहुत सारे हम वेस्ट, किचन वेस्ट फेंक देते हैं. That is being thrown, garbage is being thrown. There are so